आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉड्स, 3 फुट, 4 फुट, 5, 6 और 7 फुट तक की रॉड डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। इन सब में से बेस्ट रॉड कौन सी है जो आपकी ट्रेनिंग के लिए आपके पर्पस को जस्टिफाई करती है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि 3 फुट की रॉड हमें क्यों नहीं यूज करनी चाहिए और छोटे मसल के लिए कौन से फुट की रॉड सबसे बेस्ट है और बड़े मसल ग्रुप जैसे कि स्क्वाट, चेस्ट, शोल्डर, बैक के लिए कौन सी वो साइज की रॉड है जो आपको सूटेबल है। यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड्स। सो हमारे पास है 3 फुट की और इसी के साथ यहाँ पर 4, 5, 6 और 7, तो आप देख सकते हैं 3 फुट से लेकर 7 फुट तक हर साइज में रॉड अवेलेबल है। तो अगर हम बात करते हैं 3 फुट के रॉड की, इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप वीडियो में देख सकते हैं जब आप ट्रेनिंग करते हैं 3 फुट की रॉड के साथ बाइसेप्स के लिए, तो आप अगर पूरी वाइड ग्रिप भी करते हैं 3 फुट में, उसके बाद भी ये काफ़ी नैरो रह जाती है। तो लेट्स से अगर आपको वाइड ग्रिप पकड़ के बाइसेप्स ट्रेन करना है, आपके पास 3 फुट की रॉड में वो ऑप्शन नहीं है। सो फॉर 3 फुट रॉड टोटली नो। इसके लिए आप बाय करेंगे 4 फुट की रॉड छोटे मसल के लिए फॉर द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। मेरा जो रिकमेंडेशन है, जो मेरी फीडबैक है, तो 4 फुट की रॉड सिर्फ आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए सही रॉड है। अगर आप बड़े मसल ग्रुप में जाते हैं तो उसके लिए आपको दूसरी रॉड का साइज चूज करना पड़ेगा। तो चलिए, ये 3 फुट का हमारा हो गया है डिस्कशन, ये हम नहीं रिकमेंड कर रहे। 4 फुट मैंने आपको बता दिया है छोटे मसल ग्रुप के लिए सही है। अब 5, 6 और 7 फुट में से वो कौन सी रॉड है जो आपको सही रहेगी आपकी मसल ट्रेनिंग के लिए। अगर तो गाइज आप बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप 6 फुट की रॉड चूज करेंगे फॉर द चेस्ट, शोल्डर एंड बारबल स्क्वाट्स, या फिर कोई भी बड़ा मसल है लैट्स, तो 6 फुट की रॉड आपके लिए सही है। 5 फुट की रॉड अगर आपने बिल्कुल ही कभी पहले लिफ्टिंग नहीं की है और आप थोड़ा सा अब शुरू करना चाह रहे हैं, तो 5 फुट की रॉड आपके लिए रिकमेंड की जाती है। लेकिन अगर आप एडवांस लिफ्टर हैं तो 7 फुट की रॉड ये सबसे सूटेबल रॉड है, क्योंकि 7 फुट जो है ये एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है, जो हम जिम में भी यूज करते हैं रॉड, ओलंपिक रॉड, उसका भी साइज 7 फुट है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है, ये 28 mm की रॉड है, जो हम जिम में यूज करते हैं वो 50 mm की रॉड रहती है। सो इसका डायामीटर छोटा है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 7 फुट बिल्कुल सेम है। तो 7 फुट की रॉड जो एडवांस लिफ्टर हैं, जो अच्छी 60-70 kg चेस्ट प्रेस शोल्डर करते हैं, वो 7 फुट रॉड यूज करेंगे चेस्ट, शोल्डर, स्क्वाट्स। बट अगर आप सही तरीके से बारबल रोइंग करना चाहते हैं, जो मैंने महसूस किया है, अगर आप ओलंपिक रोड जिम में कर रहे हो तो 7 फुट में अच्छी बारबल रोइंग हो जाती है, लेकिन 28 mm की रोड में, थोड़ी सी 7 फुट की रोड में बारबल रोइंग करने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना 6 फुट की रोड में बारबल बैक रोइंग करने में मज़ा आता है। सो फॉर द चेस्ट, शोल्डर एंड स्क्वाट्स आपको रिकमेंड करता हूँ मैं 7 फुट का बारबल। फॉर द बैक बारबल रोइंग उसके लिए 6 फुट का, डेडलिफ्ट के लिए आप 7 फुट ही यूज़ करेंगे। तो अगर आपकी हाइट 5-7 से ऊपर है, आप अच्छी खासी आपकी बिल्ड है, अच्छी खासी आपकी फिजीक है, तो आप अगर 70-80 kg की भी बेंच लगा रहे हैं तो आप थोड़ा वाइड ग्रिप करते हैं, चाहे आप स्क्वाट्स करें, चाहे आप शोल्डर फ्रंट या बिहाइंड द नेक प्रेस करें, चाहे आप चेस्ट की ट्रेनिंग करें फ्लैट या इंक्लाइन बेंच पर, आपका ग्रिप थोड़ा आपके शोल्डर से बाहर रहता है, तो उसके लिए 7 फुट की जो रोड है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ कवर कर लिया है, 3, 4, 5, 6 और 7 फुट की रोड किस पर्पज़ के लिए कैसे सूटेबल है आपकी ट्रेनिंग के लिए। सो सही साइज ऑफ रोड बाय करना बहुत ज़रूरी है। सो अब आप देख सकते हैं कि जोन से भी आपकी स्टेज है लिफ्टिंग की, आप उसके अकॉर्डिंग ही साइज बाय करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।